एवरीवन, इट्स मो हेयर एंड वेलकम टू माय चैनल बे ब्यूटी। सो आज मैं एक बहुत ही वीडियो करने वाली हूँ जो बहुत ज़्यादा एक साल पहले ट्रेंडिंग में था, वो है ओट्स ट्रिब्यूट मेकअप आर्टिस्ट या फिर बेस्ट ट्रिब्यूट मेकअप आर्टिस्ट आप कह सकते हैं। सो मैंने एक मेकअप आर्टिस्ट के बारे में ढूंढा जो यहाँ पर लोकल पार्लर पे काम करती है एंड वो हमें कहा है कि 700 रुपये में वो एंगेजमेंट यू नो पार्टी मतलब वेडिंग गेस्ट मेकअप कर देता है। तो हम वहाँ पर ही जा रहे हैं, उनके घर जा रहे हैं एंड मैंने उन्हें कहा है कि मेरा एक एंगेजमेंट पार्टी का मेकअप है। सो उन्होंने कहा कि आप शाम को आ जाइए, तो मैं अभी निकल रही हूँ घर से एंड यहाँ पर मैंने अपना लहंगा ले लिया है कि ताकि मुझे थोड़ा शक न लगे एंड यहाँ पर मेरे साथ है मेरी सिस्टर, ये भी जा रही है मेरे साथ। सो अभी मैं नहीं कहूँगी कि ये ओट्स ट्रिब्यूट है या फिर बेस्ट ट्रिब्यूट है क्योंकि हमने उनका काम नहीं देखा एंड कुछ नहीं देखा, तो थंबनेल से आपको शायद पता चल जाएगा क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो थंबनेल आ जाएगा। तो चलिए निकलते हैं कि ये ओट्स ट्रिब्यूट है या फिर बेस्ट ट्रिब्यूट है। मैं बहुत डरावनी हूँ एंड ये मुझे शूटिंग करने में हेल्प करेगा, ये ये मुझे वीडियो करने में हेल्प करेगी एंड मैं नहीं पता, हमें नहीं पता कि वो हमें वीडियो करने देगा या नहीं क्योंकि हमने नहीं कहा अभी तक। सो लेट्स ट्राई करते हैं, देखते क्या होता है। ए अमर मास्टर दे पहुंच गई हूँ और उन्होंने मुझे यहाँ पर बैठने के लिए कहा है एंड उन्होंने अभी नहीं आया, मेरी दीदी सामने बैठी है। सो उन्होंने पहले एक छोटा सा कॉटन लेके थोड़ा उसमें पानी था शायद देके मेरे फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो उन्हें ये तो मालूम है कि क्लीन करना चाहिए फेस को सबसे पहले क्योंकि मैं बाहर से आया था। एंड इस मोमेंट पर उसने मेरे नोज रिंग को ऐसे खींच दिया, मैं चिल्लाने लग गई और फिर वो मुझे बोल रहा था कि आपके फेस में बहुत ज़्यादा पिंपल है, आप क्या करवाते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं फेशियल भी करती हूँ और फिर उन्होंने एक अपना घर का ही शायद रुमाल लेके मेरे फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया। फिर उन्होंने मुझे मेरे फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया और मैंने पूछा भी एंड शायद उन्हें मुझे लगा कि मेरे हेयर मेरे हेयर को भी थोड़ा मॉइस्चराइज करने की ज़रूरत है, तो उन्होंने बस कर लिया, अच्छे से मसाज भी कर लिया। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी और फिर उन्होंने ओलिविया का एक पैन स्टिक लिया एंड मेरे फेस में लगा दिया। तो मैंने उन्हें पूछा कि दीदी आप मुझे प्राइमर नहीं लगाएंगे, तो उन्होंने कहा कि वो प्राइमर था पहले वाला जब उन्होंने लगाया था, वो प्राइमर था मतलब वो मॉइस्चराइजर भी था और वो प्राइमर भी था। बट यहाँ पर पता नहीं क्या हो गया, उन्होंने बिल्कुल मेरे शेड नहीं लिया, एक फेयर स्किन का एक शेड ले लिया एंड मुझे मेरे स्किन के ऊपर बहुत लगा दिया। बट उन्होंने वो बिल्कुल भी कंजूसी नहीं कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा सभी प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा लगा रहा था एंड यहाँ पर भी उन्होंने मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा फाउंडेशन लगा दिया एंड फिर मेरे मुझे लग रहा था अगर आपको एक ही दिन में फेयर होना है तो आप उनके पास जा सकते हैं, वो आपको बिल्कुल भी किसी भी चीज़ का कमी नहीं देंगे। और फिर उन्होंने एक बहुत सारा पाउडर लाके उन्होंने मेरे फेस पे ऐसे फेंक ही दिया शायद फेंक ही दिया और फिर उन्होंने कहा कि तुम धीरे से बैठो, उन्होंने बंगाली में कहा कि तुम धीरे से बैठो मैं सब क्लीन कर दूंगी। तो वैसे उन्होंने किया भी पर उन्होंने पता नहीं मेरे ड्रेस के अंदर भी उन्हें जाने की इच्छा थी शायद, पर ठीक है चलो उन्होंने अच्छे से सेट किया। फिर उन्होंने एक पैलेट लाया, जो पैलेट है वो मेकअप पैलेट जो होता है ऑल इन वन वाला मेकअप पैलेट, वो मेकअप पैलेट लाया उन्होंने एंड उसके अंदर से थोड़ा फेस पाउडर लेके मेरे फेस को अच्छे से सेट कर लिया। फिर उन्होंने जो किया वो है काजल पेंसिल से मेरे आईब्रो को बिल्कुल ड्रॉ कर दिया। मुझे डर लग रहा था क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे जहाँ पर बहुत ज़्यादा मोटे बना देते हैं, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने मोटा बहुत ज़्यादा नहीं किया, जो मेरा आईब्रो का शेप है वो उनके अंदर ही मेरे आईब्रो को ड्रॉ कर दिया। फिर मैंने उन्हें कहा कि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं लग रहा है, इस जगह पर लग रहा है आगे से नहीं, तो उन्होंने वहाँ पर ड्रॉ कर दिया और फिर मोटा बन गया। तो बट ठीक है आईब्रो मुझे उतना खराब नहीं लगा। फिर मैंने उन्होंने मुझे पूछा कि आप किस तरह के मतलब ड्रेस पहन रहे, तो मैंने उन्हें कहा गोल्डन एंड यहाँ पर क्योंकि मैंने उन्हें पूछा था कि आपके पास आई शैडो ब्रश नहीं है, तो उन्होंने कहा कि यही तो ब्रश है एंड मुझे उस टाइम पर खुशी आ गई थी सीरियसली ये ब्रश है। एंड फिर उन्होंने पिंक कलर का आई शैडो लेकर मेरे ऑल ओवर
फ्रोजी आईलिश लगा रहा था। मैंने कहा तो उन्हें गोल्डन बना दो, उन्होंने शायद क्या सुना तो उन्होंने फुल ओवर मतलब ऑल ओवर आईलिश मेरा गोल्ड पिंक ही लगा दिया। कुछ क्रीज व्रीज बनाने की उन्होंने ज़रूरत नहीं समझा, बस ऑल ओवर आईलिश लगा दिया। फिर उन्होंने आई शेडो हाथ से लगाया था, ठीक है चलो, क्योंकि उनके पास ब्रश नहीं था। मैंने जस्ट पूछा था कि ब्रश है, तो उन्होंने कहा यही तो ब्रश है। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आईलाइनर क्या विंग बनाऊं, तो मैंने कहा हाँ विंग बना दीजिए, क्योंकि विंग आईलाइनर मेरे आई पे अच्छा लगता है। बट विंग आईलाइनर बनाने के चक्कर में उन्होंने मेरी जिंदगी खराब कर दी। लाइक सीरियसली उन्होंने, उनका इंटेंशन था मेरा आँख खराब करना, शायद पता नहीं क्या है। पहले तो उन्होंने विंग आईलाइनर ड्रॉ कर लिया एंड एक किस तरह का विंग है मुझे नहीं पता। मैं उतना अच्छा मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, बट स्टिल मैं पर लाइक थोड़ा लीड पे लग गया। वो लैक्मे का कुछ आईलाइनर यूज कर रहा था एंड फिर उन्होंने बोला कि मैं ठीक कर देती हूँ, तो ठीक कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि मैं नीचे भी आईलाइनर ही ड्रॉ करूँगी, बट मैंने कहा कि काजल है आपके पास, तो उन्होंने कहा कि काजल तो नहीं है। ये मुझे बहुत ख़राब लगा, लाइक काजल क्यों नहीं है, काजल से आपने आईब्रो कर लिया तो वो उसी से ही कर देते। पर उन्होंने मुझे रुला दिया, बस रुला दिया। यहाँ पर उन्होंने इतना ज़्यादा मतलब आईलाइनर ड्रॉ करने की कोशिश किया और मेरे आँख से बिल्कुल पानी आ गया, क्योंकि आईलाइनर आँख में जाता तो बहुत ज़्यादा जलन होता है। तो ये एक प्रॉब्लम हो गया है, मेरा आई मेकअप यहाँ पर ही बिल्कुल ख़त्म हो गया, आई बिल्कुल ख़राब हो गया। तो मेरा जो एक्सपेक्टेशन था, जो ठीक ठाक ही जा रहा था, उस एक्सपेक्टेशन में बिल्कुल पानी आ गया। फिर मैंने उन्हें कहा कि ठीक है चलिए, आप थोड़ा मुझे सूखने के बाद लगाने दीजिए, बट उन्होंने नहीं, उन्होंने तभी फिर से स्टार्ट कर दिया। मेरा यहाँ पर हालत बिल्कुल ख़राब हो गया था, मेरा आँख से पानी आ रहा था एंड मेरा सिस्टर कह रहा था वैसे चल चल तुझे करने की ज़रूरत नहीं है उठ। मैंने कहा नहीं मैं करके जाऊँगी, लाइक उनके सामने मैं नहीं कह सकती, बस मैं आँख से इशारा कर रही थी कि हाँ। फिर उन्होंने मुझे मस्कारा लगा दिया एंड मेरा आई मेकअप यहाँ पर बिल्कुल ख़राब हो गया एंड मुझे बहुत बुरा लगा कि यार ठीक चल रहा था बट ख़राब हो गया। फिर उन्होंने लगाया ब्लश एंड उन्होंने मुझे कहा कि स्माइल करो, और मैं इतना ज़्यादा फेक स्माइल ज़िंदगी में कभी नहीं की कि मैं इतना ज़्यादा फेक स्माइल कर रही थी और वो मेरे गाल पे ब्लश लगाया था। ब्लश उन्होंने बहुत लगाया बट पिगमेंटेशन नहीं था ब्लश का, तो कुछ नहीं आ रहा था। सो फिर मैंने उन्हें कहा कि आप कॉन्ट्रोल नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा कॉन्ट्रोल क्या होता है, तो मैंने ऐसे दिखा रहा था कि ऐसे ऐसे कट करके करते हैं जो जॉ लाइन होता है। तो उन्होंने हाथ से पता नहीं क्या क्या एक ब्राउन कलर का आई शेडो लेके ऐसे पिटा कर थोड़ा ब्लेंड कर दिया, और नाक के लिए भी मैंने बोला तो उन्होंने ऐसे कर दिया। तो एंड कैसे आप देख सकते हैं कि कैसे वो ब्रश चला रहे हैं। फिर हाइलाइटर, उन्हें हाइलाइटर पता है, उन्होंने हाइलाइटर लगा दिया मेरे गाल पे एंड मुझे स्माइल करने के लिए बोला हाइलाइटर के लिए। फिर हाइलाइटर लगा दिया, मेरी आईब्रो बोन पे भी हाइलाइटर लगा दिया एंड फिर उन्होंने मुझे यहाँ पर पोछा लगा दिया मेरे फेस पे, बिल्कुल मेरे फेस को अपना फ्लोर समझ के झाड़ू लगा दिया एंड मेरे हालात आप देख सकते थे। फिर उन्होंने लिप लाइनर ड्रॉ करने की कोशिश करा था, ये एक छोटा सा पेंसिल से एंड फिर उन्होंने एक, मैंने कहा कि आपके पास स्टिक लिपस्टिक नहीं है, उन्होंने कहा नहीं मेरे पास बुलेट लिपस्टिक है, तो उन्होंने बुलेट लिपस्टिक लगा दिया। सो बस फिर मेरा मेकअप हो गया। फिर उन्होंने मुझे बाल भी बना दिया, मैंने कहा था कि बाल भी आप बना दो, तो उन्होंने बाल भी बना दिया 700 रुपये में एंड मैं यहाँ पर घर आ रही थी मास्क पहन के। थैंक गॉड कि ये आजकल मास्क पहनना पड़ता है, अदरवाइज मैं इस मेकअप को करके अगर चल के आती रास्ते में सब देखता ही, मुझे ही देखता, अदरवाइज और किसी और को नहीं देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। गाइस फाइनली मैं आ गई हूँ एंड मैं इसे रिवील करने जा रही हूँ कि क्या हुआ है मेकअप एंड दिस इज द फाइनल लुक गाइस। उन्होंने मुझे
बहुत ज़्यादा डांटा क्योंकि मैं बार बार आँख खोल रही थी, वीडियो कर रही थी और उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही थी। और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे एक फेशियल की ज़रूरत है, उसके साथ मुझे आईब्रो करने की ज़रूरत है। कल उनके घर में मुझे फिर से चले जाने के लिए कहा है, वो कर देगी। एंड नोज़ उन्हें मैंने बोल के कॉन्ट्रोल करवाया है, तो नोज़ उन्होंने ठीक से कॉन्ट्रोल किया है, बट इस दोनों जगह का उन्होंने सत्यानाश कर दिया। एंड ब्लश, उनके पास कोई प्रोफेशनल आई शेडो पैलेट नहीं था, सिर्फ एक जो मेकअप बॉक्स वाला होता है ना, उस तरह का कुछ आई शेडो पैलेट था। एंड उन्होंने मुझे कहा कि तुम मेकअप नहीं करते हो इसलिए तुम ठीक से आईलाइनर लगाने के बाद सुखा नहीं पा रहे हो, क्योंकि मैं आँख खोल दे रही थी। एंड आपने आप देख सकोगे कि मेरे साथ क्या हुआ है उस वीडियो में, लाइक मेरे आँख से लाइक पानी आ गए ऐसे हुआ। वो विंक आईलाइनर पहनाने के चक्कर में उन्होंने मुझे रुला दिया। सो इस वीडियो से जाने से पहले मैं श्योर नहीं थी कि ये ओस्ट रिव्यू है या फिर बेस्ट रिव्यूड है, पर अभी मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये ओस्ट रिव्यूड मेकअप आर्टिस्ट है। सीरियसली यार, वो पार्लर में काम करती है, वो पार्लर चलाती है, आई डोंट नो इस तरह के मेकअप वो कैसे कर लेती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। आई डोंट नो ये इस तरह के मेकअप करके कोई एंगेजमेंट पार्टी में कैसे जा सकता है। God.